myself, Ms. Aditi Rani Bhagat, Assistant Professor of Commerce, Government Pandit Shyamacharan Shukla College, Dharsiwa, Raipur. Students, आज हम BCom Part 2 की Business Statistics विषय यानी व्यवसायिक सांख्यिकी की प्रथम इकाई जो हमने लेक्चर 1 में शुरुआत की थी उसी का आज लेक्चर 2 हम पढ़ेंगे, जिसमें हम स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि सांख्यिकी विज्ञान जिसका क्षेत्र प्राचीन काल में यानी पहले बहुत ही सीमित था, अब अत्यधिक विस्तृत हो गया है, बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया है। आज ज्ञान विज्ञान की सभी शाखाओं में जहाँ जहाँ अध्ययन होता है सभी शाखाओं में सांख्यिकी की रीतियों का बहुत ज़्यादा प्रचलन या उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो उपयोगिता है वो किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आगे देखते हैं हम, देखिए सांख्यिकी का क्षेत्र विस्तृत अध्ययन करने के लिए या अध्ययन को थोड़ा सुविधाजनक बनाने के लिए इसको हम तीन भागों में विभाजित करके यदि अध्ययन करें तो इसके स्कोप को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, इसके क्षेत्र को स्पष्ट समझा जा सकता है। सबसे पहला बांटा गया है किसमें, सैद्धांतिक सांख्यिकी में। सैद्धांतिक मतलब थ्योरिटिकल, जिसमें नियम है, थ्योरीज हैं, जैसे प्रायिकता, इसको हम विस्तार से समझेंगे। दूसरा है सांख्यिकी रीतियाँ, जिसमें मेथड्स हैं, रीतियाँ हैं, ये संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन एवं पूर्वानुमान, इन विधियों को भी हम विस्तार से समझेंगे। और तीसरा जो है व्यवहारिक सांख्यिकी, मतलब प्रायोगिक रूप से जो एप्लीकेबल है, जो लागू हो सके, इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे, विवरणात्मक सांख्यिकी और वैज्ञानिक सांख्यिकी। तो हम सीधे आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला सांख्यिकी जो सैद्धांतिक रूप में है, यानी कि सैद्धांतिक सांख्यिकी, थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स, सिंपल है ये, सांख्यिकी के गणितीय सिद्धांत इस शाखा के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो सूत्र के आधार पे हो, प्रमेय के आधार पे हो, जो गणितीय सिद्धांतों नियमों के आधार पे हो, ऐसे जब हम सांख्यिकी का उपयोग करते हैं तो वो कहलाता है सैद्धांतिक सांख्यिकी। इसमें जो आकलन किया जाता है, जो गणना की जाती है, उसका आधार क्या होता है, उसका आधार क्या होता है, उसके गणितीय नियम होते हैं। जैसे एक सिद्धांत यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा सांख्यिकी में उपयोग होता है या समझ लीजिए उसका आधार है, वो है प्रायिकता, संभावना। साधारण भाषा में समझाऊं तो प्रायिकता क्या है, संभावना है, संभावना जो हमें नहीं पता है बट हम ऐसा आकलन करते हैं कि क्या हो सकता है। प्रायिकता या संभावना अनिश्चित घटनाओं के बारे में मस्तिष्क की एक स्थिति है, एक सोच है, एक स्टेटस है, ऑफ माइंड है, जिसमें हमको ये पूर्व तथा वर्तमान में घटित घटनाओं के आधार पर संभावनाओं का आकलन किया जाता है। जैसे जून के महीने में या जुलाई के महीने में वर्षा होती है, ये हमको कहाँ से पता चला, ये हमारी पूर्व घटनाएं और जो हमने देखा है उन घटनाओं के आधार पर हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई है कि जून या जुलाई के महीने में वर्षा होती है। तो ऐसी संभावना को लेकर के हमको अपनी समस्याएं, जैसे कृषि से संबंधित या फसल से संबंधित या बुआई से संबंधित, यदि हमको कुछ सर्वे करना है, कोई शोध करना है, तो हम ऐसे प्रायिकताओं को आधार लेकर के हम इस पर काम करते हैं। तो सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, यहाँ पे हमें इसकी व्याख्या नहीं करना चाहूँगी, हम सीधे आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा है सांख्यिकीय रीतियाँ, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी का समझ लीजिए ये एक तरह का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए, जिसके आधार पर ही सांख्यिकी खड़ा रहता है। सांख्यिकी विज्ञान की विविध रीतियाँ होती हैं जिनके प्रयोग से अनुसंधान के किसी भी क्षेत्र के लिए समंकों का संकलन करके विश्लेषण किया जाता है, तत्पश्चात उचित परिणाम निकाले जाते हैं। ये तो स्पष्ट हो गया, सांख्यिकी रीतियों की सहायता से संबंध एकत्रित किए जाते हैं तथा उन्हें सरल, समझने योग्य और तुलना योग्य बनाया जाता है। पिछले बार लक्षण में देखा था कि तुलना होना बहुत आवश्यक है और ये इसकी एक रीति में ही शामिल है। प्रारंभिक अवस्था में आंकड़े कच्चे पदार्थ की तरह होते हैं, जैसे उत्पादन में आप लोग जानते हैं कि उत्पादन में कच्चा माल होता है, उसको पूरी प्रक्रिया से गुजरकर पूर्ण रूप में परिवर्तित किया जाता है। उसी प्रकार आंकड़ों को भी जब हम प्राथमिक रूप से अपने पास एकत्रित करते हैं तब वो किसी उपयोग के योग्य नहीं होते, वो बिल्कुल रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चे होते हैं। उनको हम विधि पूर्ण सिद्धांतों के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर
हम क्या करते हैं, उनको उपयोग योग्य या उनको उनके निष्कर्ष तक, हमारे परिणाम तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। अब यहाँ जब रीतियों की बात हो रही है तो रीतियों को समझना आवश्यक है। ये देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे, सांख्यिकीय रीतियाँ, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ये एक मूलभूत प्रक्रिया है जो हर अनुसंधान में अपनाया जाता है। सबसे पहले देखिए आंकड़ों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डेटा, डाटा भी कहते हैं कई लोग उसको, किस ढंग से और कितने आंकड़े जो समस्या पर समुचित प्रकाश डाल सके, ये हमको पता होना चाहिए कि हमको कितने आंकड़े इकट्ठे करने हैं कि हम जो समस्या का निदान ढूंढ रहे हैं वो हमको प्राप्त हो जाए। क्या हम 50 लोगों से इस सवाल का जवाब पूछेंगे तो एक अनुमानित अंदाजा हमको लग जाएगा, या हमको कम से कम 200 लोगों से इस सवाल को पूछना पड़ेगा जिससे हम अपने निष्कर्ष तक पहुंच सके। तो ये इसका निर्णय बहुत अनिवार्य होता है, इम्पोर्टेंट होता है कि हम आंकड़ों का संग्रहण किस ढंग से और कितने आंकड़ों का संग्रहण करना ये निर्णय कर सके। ये इस पे निर्भर करता है यहाँ पे कि हम कितने आंकड़े इकट्ठा करना चाह रहे हैं, उसके लिए संपादन का कार्य भी इसी में सम्मिलित माना जाता है। संपादन का अर्थ होता है कि हम उसको किस तरीके से इकट्ठा करेंगे, हम क्वेश्चनायर बनाएंगे, हम प्रश्नावली बनाएंगे, इसमें एक प्रकार के प्रश्न होंगे, सबके उत्तर लिखे जाएंगे, उसको किस तरीके से व्यवस्थित रखा जाएगा, ये सारा संपादन वाला कार्य जो है वो आंकड़ों के संकलन में ही आता है। इसके बाद संकलन हो गया, अब हम देखिए क्या करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, हमने रॉ डेटा ले लिया, रॉ मतलब कच्चा माल है ना, कच्चे आंकड़े ले लिए, अब कच्चे आंकड़ों को हमने इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके सारे एक साथ हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे सवाल के आधार पे हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग बांट देंगे ताकि हम उसको सरल कर सके, समझ सके, तुलना योग्य बना सके। किस आधार पे बांटा जाएगा, गुणों के आधार पे। गुण मतलब अगर आप आयु ले रहे हैं तो आयु कितनी से कितनी उसको अलग कर लिया जाए, वजन के आधार पर, देखिए रंग के आधार पर, इसको क्या कर लिया जाता है, शॉर्ट कर लिया जाता है, संक्षिप्त कर लिया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है। अब चलिए, पहले इकट्ठा थे पूरे एक साथ, फिर अब क्या हो गए, अलग अलग लाइन में खड़े हो गए, अलग अलग होने के बाद में क्या हो गया, हम क्या करें, अब उनको अलग अलग केबिन में डाल देते हैं, यानी अलग अलग सारणी में उसको रख देते हैं। क्यों रखेंगे, सारणी में जब रखा जाता है तो उनकी एक पर्टिकुलर हेडिंग बनाई जाती है, हेडिंग मतलब उसके शीर्षक बनाए जाते हैं, उप शीर्षक बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमको एकदम स्पष्ट हो जाता है, ये और सरल हो जाता है, ये तो सरल था ही कि और सरल हो जाता है, और अवलोकन की दृष्टि से ये तुलना योग्य बन जाता है और सरल हो जाता है कि हमको किसके साथ में किसकी तुलना करना है। एक एक्स है और दूसरा वाई है, यहाँ पे एक्स वाई थे, बैठे थे, अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स और वाई अलग अलग टेबल में है, हमको एक्स और वाई के साथ तुलना करके दोनों का कॉम्बिनेशन बना के तीसरे कॉलम में रखना है। तो कॉलम और रो है ना, स्तंभ रहते हैं उसमें, कॉलम रहते हैं, उस आधार पर हम क्या करते हैं, उसका सारणीयन करते हैं। सारणी में सारे मान को रख लेने के बाद में इधर देखिए क्या होता है, प्रस्तुतिकरण। अब ये तो सरल था ही, अब इसमें उसकी प्रवृत्ति समझ नहीं आ रही, बहुत से आंकड़े आंकड़े हो गए, बहुत सी लाइंस हो गई, तो आंकड़ों को और अच्छे से एक दृष्टि में समझने के लिए क्या किया जाता है, उसको प्रस्तुतिकरण, कैसे, बिंदुओं से, रेखाओं के आधार पर, चित्रों के आधार पर, जिनको हम इंग्लिश में ग्राफ कहते हैं, है ना। तो जैसे प्रथम में किसी को 500 रुपए का कमाई, दूसरे में किसी को 600 का कमाई, तीसरे में किसी को फिर 300 का कमाई, तो देखिए कैसे हो रहा है, ग्राफ शुरू में बढ़ा, फिर बढ़ा और फिर नीचे की तरफ उतरा, और फिर से किसी को 600 की कमाई हुई तो फिर वो ऊपर चढ़ा। तो इस तरीके से सभी के आंकड़ों को हमने क्या किया, एक रेखा के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे एक प्रवृत्ति समझ में आई, चढ़ने उतरने की, कम होने की, ज्यादा होने की, तो ये और प्रस्तुत करने में सरल और आकर्षक हो जाता है। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो विश्लेषण होगा वो बहुत सहज हो जाएगा, है ना। तो विश्लेषण अगली प्रक्रिया है इसकी, विभिन्न विधियों द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है एवं उनकी विशेषताएं ज्ञात कर तुलना की जाती है। तुलना आसान हो जाएगा, हम अलग अलग सारणी के अलग अलग चित्र बना सकते हैं, फिर उसकी तुलना कर सकते हैं, और ये हम इस तरीके से इसे यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। साथ ही हम उनका विधियों या मापन की विधियों को अपनाकर, जैसे माध्य, अपकिरण, है ना, विषमता, सहसंबंध, सहसंबंध में तुलना की जाती है कि एक चर दूसरे चर से समसीधा संबंध रखता है या नहीं रखता है, ऐसे बहुत सी इसमें विधियां आती हैं जिसमें हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण हो गया, निष्कर्ष निकल के आता है फिर, जिसको हम निर्वचन या इंटरप्रिटेशन कहते हैं। निष्कर्ष में क्या देखा जाता है कि हमने जो ये सवाल रखा था, जिसके लिए हमने आंकड़े इकट्ठा किए, उनको व्यवस्थित किया, उनको प्रस्तुत किया, उनका विश्लेषण किया, उसका क्या
परिणाम निकला, जो हमने सोचा था वैसा निकला या कुछ और निकल गया। तो ये होता है निष्कर्ष में। हम निष्कर्ष में अपने विचारों को भी रखते हैं और उनकी तुलनात्मक अध्ययन को भी रखते हैं, कुछ सुझाव रखते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया किसमें आती है? निर्वचन या इंटरप्रिटेशन में आती है। अब ये हो जाने के बाद में लगभग जो है रिसर्च यानी अनुसंधान की प्रक्रिया यहाँ पे खत्म होती है। लेकिन एक और काम बचा होता है, वो होता है पूर्वानुमान का। पूर्वानुमान इसकी अनिवार्य प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इससे अछूती भी नहीं है। पूर्वानुमान अगर ना हो तो इस पूरे अनुसंधान का कोई औचित्य नहीं रहेगा। पूर्वानुमान क्या करता है कि जो हमारे निष्कर्ष निकले हैं, प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जाता है, तभी आने वाली समस्याओं से हम पहले से एक आकलन या अनुमान लगा सकेंगे। पहले से अनुभवों व परिणामों के आधार पर पूर्वानुमान किया जाता है और भावी गति की ओर निर्देशित किया जाता है। तो पूर्वानुमान एक इनकी प्रक्रिया ही है, अनिवार्य नहीं है, पर ये इसके बिना इसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये था हमारा सांख्यिकी रीतियां। इसके आगे देखिए अंतिम, ये है व्यवहारिक सांख्यिकी, है ना। हमने सबसे पहले सैद्धांतिक देखा, फिर सांख्यिकी रीतियां देखा, और अब आ गया व्यवहारिक सांख्यिकी। वो विधियों और वो सिद्धांतों को लागू कर लिया हमने, उसमें हमने सीख लिया किस तरीके से प्रक्रिया होती है, पर जब हम उनको व्यवहारिक जीवन में यानी कि प्रायोगिक रूप से उतारते हैं तब कहलाता है वो व्यवहारिक सांख्यिकी, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। व्यवहारिक सांख्यिकी से आशय वास्तविक तथ्यों, देखिए वास्तविक तथ्यों, विशिष्ट विषय सामग्री यानी जिसके लिए हम काम कर रहे हैं विशेष रूप से वही से उसी से संबंधित होगा, तथा विभिन्न समस्याओं पर सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग करना। जो हमने रीतियां देखी, जो सिद्धांत देखे, उनका व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना ही व्यवहारिक सांख्यिकी कहलाता है। जैसे देखिए सामाजिक समस्या, अगर हमको ऐसी इसके लिए कुछ रिसर्च या अनुसंधान करना है तो क्या लगेगा? सामाजिक समंक लगेंगे। कृषि समस्या के लिए कृषि समंक लगेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और ऐसे अन्य बहुत सी समस्याओं का निदान इसी व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत होता है। इसको दो तरीके से वैसा समझा जा सकता है, एक है विवरणात्मक सांख्यिकी और दूसरा है वैज्ञानिक सांख्यिकी। इसमें क्या होता है, विवरणात्मक में क्या होता है, इसमें भूतकाल या वर्तमान काल में एकत्रित संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें लगभग तुलना की जाती है एक काल से दूसरे काल की। जैसे पिछले साल का जीडीपी, जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो वार्षिक आय होती है ना, उत्पादन होता है, वो पिछले बार की तुलना से इस बार कितना है, कम है या ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, आपका विवरणात्मक हो गया। इसमें देखिए ये समंक ऐतिहासिक महत्व के होते हैं, मतलब पुराने जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, ताकि हम उसको आधार मानकर नए वालों के साथ उसकी तुलना कर सकें। इनका उद्देश्य वर्णात्मक होता है या वर्णात्मक विवरण उपलब्ध कराना होता है, जैसे उत्पादन अभी बताया मैंने, जनसंख्या, जनसंख्या पिछले 10 साल में कितनी थी और अभी अगले 10 सालों में कितनी होगी, मूल्य निर्देशांक संबंधी समंक। तो इस तरीके से जो विवरण प्रस्तुत करते हैं, जो तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं, वो कहलाते हैं विवरणात्मक सांख्यिकी। वैज्ञानिक सांख्यिकी क्या हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रयोग मतलब नियमों सिद्धांतों को के आधार पर हम प्रतिपादित करते हैं कि भाई ये नियम इसमें लागू हो रहा है अथवा नहीं। इस शाखा के अंतर्गत सांख्यिकी रीतियों का व्यवहारिक प्रयोग करके वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया जाता है या पुष्टि की जाती है कि ये नियम इसमें लागू हुआ या फॉलो किया गया है या नहीं। जैसे एक अर्थशास्त्री यदि क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत का व्यवहारिक संबंधों से प्रयोग करेगा या परीक्षण करेगा तो वो वैज्ञानिक सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंटल स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है, इसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। तो ये आपके क्षेत्र थे सांख्यिकी के, 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र, और उसी आधार पर सांख्यिकी को बहुत व्यापक रूप से समझा जा सकता है। ये लेक्चर 2 था। लेक्चर 3 हम अगले दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।